Hello guys, welcome back to another vlog. Today we are making macaroni tikki burger at home. Let's go. सबसे पहले potato को boil करना है. Boil करना है. कि भी हम घर पे बना रहे हैं खुद. पहले potatoes को boil करके उसको ठंडा होने के लिए रख दो. और उसके बाद उनको ऐसा कुछ क्या कहते हैं इसको? के साथ कुछ ऐसा कुछ grind करना है. ठीक है? अभी ये देख रहा है YouTube से. Guys हम YouTube से देख के हम YouTube पे आपको बता रहे हैं. वाह. और ऐसे आपने मिक्स करना है मसाला. इसके साथ आपका जिम भी होगा, एक्सरसाइज भी होगी और मसाला भी मिक्स होगा. एंड आवर मास्टर शेफ इज रेडी. मास्टर शेफ इज टेकिंग नैप. ये बनाया हमने मिक्सचर. किस चीज का है ये? धनिया पुदीना और गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर और गार्लिक भी डालना है इसमें. पैन में बटर डाल दीजिए, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए. कीजिए हाँ, मिक्सचर को अब इसमें डालेंगे. फिर उसको अच्छे से तरीके से उसको बटर में पकाना नहीं है, बस जब अच्छे से खुशबू आने लग पड़े फिर इसमें आलू डाल देने. उसके बाद डालने हैं मटर. ये भैया कह रहे हैं कि टिक्की हमारी बर्गर किंग के जैसी बनेगी. अगर भैया बन गई ना, हम यहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तू होगा शेफ. और उसके बाद मटर को स्मैश करना है ऐसे मैशर के साथ, पूरे अच्छे से मैश करने हैं. जब मटर मैश हो जाए अच्छे से, उसके बाद पोहा में डाल दीजिए. पोहे को पहले हमने पानी में भिगोया है पोहा स्वाद अनुसार. और हम थोड़ी सी डाल रहे हैं चिंग्स और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए. अच्छे से हमारा ये मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है. और उसके बाद जो आपने आलू को कद्दूकस किया है वो डाल देने हैं बीच में. पूरा मिक्स करना है जब तक ऑरेंज नहीं होगा. आलू को उसके साथ पूरा घुल मिल करवा दो उसका पूरा. इसमें अभी हमने डाला है 1/2 teaspoon नमक, टाटा नमक. आयोडीन की कमी ना हो इसलिए नमक चाहिए. और अपने मिक्सचर को कुछ इस तरह से मिक्स कीजिए. ध्यान से पूरी तवज्जो से देखिए. मैजिशियन नहीं कहते थे, पूरी तवज्जो से देखिए. अभी कुछ होने वाला है, अभी ये गायब होगा. और ये गायब. और जो मिक्सचर रेडी तैयार किया हमने उसको एक बॉक्स में डाल लीजिए. और साइड पे अगर आपके पास कोई और ब्रदर है उसको सॉस बनाने के लिए लगा दीजिए. नहीं है तो पैदा कीजिए. जैसे कि हमारे पास भाई नहीं है, नौकर है, तो हमने इसको अपने नौकर को कह दिया ध्यान से करना नौकर, वरना तेरे को फायर कर दूंगा मैं. फायर तेरी सैलरी खा जाऊंगा. मैं इसकी हो चुकी है बस. हम निकालेंगे बड़ी वाली पैक. ये बड़ा हथियार है, ये बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे. ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो. एक्सपीरियंस तो लगता है कहीं पक्का किसी बर्गर शॉप में काम करता था. जो हमारी साइड पे सॉस बन रही है इसमें क्या क्या डाला? मेयोनीज है, टोमेटो सॉस. अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा सॉस है वो आप डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं. और उसमें ऐसे अपना नमक और मिर्च, लाल मिर्च, मिर्ची डाल दीजिए. और बस कुछ नहीं करना, इसको मिक्स कर दे. आप देख रहे हैं आज इसका जिम हो रहा है पूरा. ओह यस गाइस, अगर ये नहीं है तो पहले जाके ये खरीदो. ठीक है, इसके बिना नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा. ये चाहिए ही चाहिए. और इसको ऐसे ढक देना पूरा. और इसको लगाना भी आना चाहिए. और इसको अभी फ्रीज में रख दो, फ्रीज में. सॉस भैया लग रही है मकड़ी वाली. तो ऐसे बर्तन लीजिए. हमने इस कॉली के साथ मेजर किया है, छोटी वाली. एक कॉली इसकी उसकी थी मैदे की और एक उसकी राइस फ्लोर की, दोनों में सेम. और एक हम थोड़ा गीला गीला बनाएंगे, एक सूखा सूखा वो बनाना है. इसको फिलफिल करनी है, इसकी फिलफिल जैसे हवा में से बारिश पकती ना, बस इसको ऐसे वाला गीला करना. और ये हमारी पेस्ट हो चुकी है रेडी. ये तो वैसे ही रेडी पड़ा है. एक तो ये शेफ को ना सबर नहीं है. शेफ को सबर नहीं होना चाहिए. हाँ, ये ठंडा होने नहीं देगा. अगर बर्गर तुम्हारे अच्छे नहीं बने ना, ये पानी में डूब के मर जाए ना. गेट फास्ट एंड फ्यूरियस विद तेल. फाइनली फर्स्ट स्टेप टू द मून. हमने थोड़ा सा क्रिएटिव सोचा है, हम डालेंगे बटर सा. ओके, इसने टिक्की बना के पहले इसको इसमें लपेट दिया है. फिर उसको हमने इसको अपने जो सूखा पाउडर है उसमें डाल देना है. सूखा पाउडर कम लगाना था. पता क्या रीजन, पता क्या है इस चीज से, क्या ही क्रिस्पी आएगा देखना भाई. और ये आज ये फर्स्ट टिक्की इन द ऑयल. अब सबर कर कीजिए. वाओ बेटे, देखने को तो ठीक ठाक लग रही है. हमारी फर्स्ट टिक्की हो चुकी है रेडी. ट्रांसफर कर दो इधर. दिखने में तो कते गजब लग रही है. ये देखो टिक्कियां बन चुकी हैं. और उसके बाद हमने ये ब्रेड बन्स में डाल के प्याज टमाटर एक तरफ सॉस लगा के, ये देखो बर्गर इज रेडी. ऐसे एक तरफ सॉस, दूसरी तरफ सॉस, फिर प्याज टमाटर, फिर ये बोल टिक्की और ये बर्गर रेडी. तो हमें खोल लेना चाहिए ना. बर्गर क्वीन, बर्गर स्लेव, पैकडी, कार्ल सीनियर, बर्गर मेंशन, क्या नाम रखेगा इस मेंशन, नाम सजेस्ट करो हमारे रेस्टोरेंट का. फाइनली कितने घंटों बाद हो चुका है रेडी बर्गर. रेडी मैंने एक बाइट ऑलरेडी ले लिया है कि टेस्ट करना था, कुछ कम वगैरह नहीं है. तो जस्ट इन केस रिव्यू बता रहा हूँ आपको. बहुत ऑसम बना है, मजा आ रहा है खाने में. एग्जैक्ट मैकडी नहीं है बट मच बेटर. घर पे बनाओ बर्गर मच बेटर. मतलब सीरियसली क्या ही बना है, सब कुछ ऑसम बर्गर. वेट, सब कुछ बढ़िया है.
है, टिक्की भी ठीक है, ज्यादा वो नहीं है रेडी हुई, सॉस वगैरह भी ठीक है, बीच में प्याज टमाटर चलो सेम ही रहता है। मतलब ये है मैकड़ी जैसा तो बिल्कुल बनेगा नहीं वैसे भी, लेकिन होममेड बर्गर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कितने आप 10 में से दोगे नंबर इसको? 9। आई वुड गिव 8.5। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली कुकिंग सेशन में। बर्गर एंजॉय करो, बाय, पीस आउट। ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਬਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸੰਗ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ?